अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आई हूँ इस वक्त शाम को छत पे अपने परिंदों को देखने के लिए और उनको खोलने के लिए, और थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर आए उनके उनको डालने के लिए। तो चलें हम अपने वीडियो को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल सना खान बर्ड्स। तो चलें अब हम अपने परिंदों को खोलने के लिए चलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सब जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है मैं भी आऊँगी और इनको खोलूँगी, ताकि जो है ना इनको भाई ये बाहर जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे शाम के वक्त को। और ये देखें, ये भी बिल्कुल पागल हो रहे हैं कि इनको जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। और ये देखें किस तरह से उड़ रहे हैं ये, माशाल्लाह। ये आज 1 महीने 13 दिन के हो गए माशाल्लाह पूरे, और जो है क्या नाम है, ये काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह। ये देखें जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें इसका ताज बड़ा हो रहा है। ये मुर्गा है ये यकीनन, और बाकी जो है मुझे लग रहा है फीमेल्स हैं, 4 फीमेल्स और 1 मेल है अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी ये इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो और अच्छे तरीके से पता चलेगा कि कौन कितनी मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो चलें पहले बड़े वालों को खोलते हैं और इनको बाहर निकालते हैं। ये देखें दोस्तों किस तरह से जल्दी जल्दी बाहर निकल के भाग गए, और ये शेरदिन यहाँ रह गया, ये भी चले गया। दोस्तों आज मैं इन लोगों के लिए चावल लेकर आई हूँ, वाइट चावल बॉयल हुए हुए। तो ये मैं इनको अभी डालूंगी, मैं इनको जो है नीचे खोलूंगी, अभी देखिएगा ये फिर नीचे फ्लाइंग करके आएंगे। तो पहले मैं इनका बर्तन रख लेती हूँ नीचे, ताकि फिर मैं जैसे ही उसमें चावल डालूंगी तो ये खुद ही नीचे आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये अभी फ्लाई करके नीचे आएगा। ये देखें, ये मेरे हाथ पे आके बैठ गया, इसको चावल खाने थे, इसने देखा कि मेरे हाथ पे चावल नहीं है, यहीं आ गया। अब मैंने ये नीचे डाल दिए, अब ये जो है ये मेरे हाथ से कूद के नीचे जाएगा। ये देखें कैसे मेरे हाथ पे आके कूद के बैठ गया, अब ये नीचे जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये आज फिर से वापस ऊपर रह गया, क्योंकि इसको नीचे नहीं आना आता, तो इसको हमें खुद उतारना पड़ेगा। ये देखें कितना परेशान हो रहा है, इसको हम यहाँ से भगाते हैं, शायद इसको रास्ता नज़र आ जाए बाहर आने का, मगर नहीं, इसको नहीं आ रहा है, तो हमें इसको खुद ही नीचे उतारना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इन सबको मैंने नीचे उतार दिया, और अब ये चावल मज़े से खा रहे हैं, बड़े शौक से चावल खा रहे हैं। ये देखें, और जो है क्या नाम है, ये वाइट वाला जो है पूरा ये हमेशा अकेला रह जाता है ऊपर, इसको नीचे उतारना नहीं आता, तो इसको मैंने अभी जो है क्या नाम है पकड़ के नीचे छोड़ा है, तो तब ये नीचे आया है। ये देखें अभी चावल पड़े हुए, ये सब शुरू शौक से खा रहे हैं चावल। आपको अपनी काली की अपडेट, काली को जो है आज 15 दिन हो गए अंडों पे बैठे हुए, और ये जो है माशाल्लाह अच्छे से इंक्यूबेट कर रही है अंडों को, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे निकालेगी। तो चले मैं आपको काली को दिखाती हूँ। ये देखें कैसे ये बैठी हुई है, सिर्फ 2 अंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से लेकर बैठी हुई है। यकीनन इनको भी इसने हीट दे दी होगी, तो तभी इसने थोड़ा साइड में कर दिए हैं ये। फिर जितनी अंडों को ज़रूरत होती है गर्मी की, तो उस हिसाब से ये रखती है अपने नीचे। तो जो है इसने काफ़ी सारे अंडे तो छुपाए हुए, खाली ये 2 ही नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह दोस्तों, इसके जो है बहुत जल्द चिक्स हमारे सेटअप पे आने वाले हैं, न्यू चिक्स जैसे ही आएँगे तो फिर हम आपको उसकी अपडेट देंगे। आज पूरा दिन भर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ये देखें इसने मुँह खोला हुआ है, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, तो हो सकता है ये उठ के पानी वानी पी ले खुद ही, ये खुद ही उठ के पीती है। अगर हम यहाँ पे रख भी दें तो ये अपनी मर्ज़ी से ही उठ के पीती है एक दफ़ा ही, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इसके पास यहाँ पे पानी भी रखने का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो इस पिंजरे में बजीज लाने का सोच रहे हैं, और हंडिया वगैरह भी रखी हुई हैं। तो अभी जो है आज पापा ने इसके अंदर थोड़ा सा काम करा है, सीमेंट वीमेंट लगाया है, थोड़ी जगहें बंद करी हैं जो खुली हुई हैं जगह जगह से, जहाँ से ये ख़तरा है कि बजीज जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो अभी एक साइड से बंद किया है, ये देखें आपको लकड़ी लगी हुई नज़र आ रही होगी, उस दिन ये पूरा पीछे का जगह खाली थी, और दूसरी तरफ से इसके अंदर सीमेंट लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बाबा ने पूरा सीमेंट वीमेंट लगाया है जहाँ जहाँ से ये जगह खुली हुई थी, और इस बात का ख़तरा है कि वो बजीज जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं। और ये पूरा ये देखें, यहाँ पर भी इन पापा ने सीमेंट लगाया है, तो इसको बंद कराया। अब देखें पूरा ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम इंशाल्लाह जल्द ही बजीज ला के डालेंगे, और फिर हम उनकी भी अपडेट आपको दिया करेंगे।
ये देखें दोस्तों, ये पापा ने अभी इनको प्याज वगैरह काट के डाली है और ये बड़े शौक से प्याज खा रहे हैं। ये देखें अभी इनको डाल रहे हैं तो ये मुस्तकिल खाए जा रहे हैं प्याज वगैरह और सब्जी वब्जी जो भी आज की सारा दिन जो बची हुई थी खाना वाना पकाने के बाद जो सब्जियां बचती हैं वो हम इनको शाम के वक्त काट के डाल देते हैं। तो जो है क्या नाम है, ये देखें कितने शौक से खा रहे होते हैं, ये प्याज व्याज खा रहे हैं अभी। तो आज की हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल सना खान बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डाल सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सना खान बर्ड्स।